दशहरार आज अंतिम पर्यायर एवं चली भसाण उत्सव ट्विन सिटर विभिन्न स्थान केमी रही दृश्य आम प्रतिनिधि आपको देखा दशहरा बेले जमी भिड़ था षष्ठी सप्तमी अष्टमी कथा कहतु और नवमी पूजा कहतु एवं माँ को मेला समय भी सेमती भिड़ सका सका वर्षा होता वर्षा टी बाधक साजिश सत कि वर्षा कमी आ लोकों मध्य बेस उत्साह केमी माँ को मेला देवे और भसाण उत्सव में सामिल हे आप विभिन्न स्थान भिजुआल देखुले नयापल्ली कहतु कि कटक्र चौधरी बजार आम रिपोर्टर मैंने सब जगार अच्छा सब बेल दृश्य आपँ देखा दुई बर्षर कोविड कटक हटी और माँ एवं समस्त विदा नहीं जाऊँच कोविड कटक बेले भसाण उत्सव होता कि लोक मैंने सामिल है ना समस्त मन में दुख था जे पूजा हो कि भसाण उत्सव माँ को पूजा सामिल नहबा निहाती एक दुखदायक घटना एवं आम सहित स्टूडियो उपस्थित अच्छा सर आम सार सहित आलोचना करुले पूजार विभिन्न महात्म्य नहीं सर आम दशमी में आम देखी गोटे बंगीय परंपर सिंदूर खेल हुए तार कौन महात्म्य रही देखु कटक जो आप देखते आम जो मैंने अर्गस टी देखुं से मैंने जापर थे कटक जो दुर्गा पूजार परंपरा रही अति प्राचीन यही प्राचीनता भितर जो सात भौणी कटक अच्छा बड़ भौणी अच्छा आपणकर बालू बजार जोटा कि आप विनोद बिहारी बोली कहते विनोद बिहारी कहले भगवान श्रीकृष्ण तेणु विनोद बिहारी पीठ से प्रथम जिते 1509 जिते चैतन्य महाप्रभु ओडिशा को आसते उत्कल आगमन करते से ही समय आपणकर विनोद बिहारी पीठ भितर आपणकर ये दुर्गा देवी पूजा उपासना रही से प्रथम घट पूजा होता परवर्ती समय मृण्मय मूर्तिर पूजा उपासना है बानर्जी परिवार 1509 कटक आसिकी विनोद बिहारी पीठ से यही बालू बजार परिसरस्थ विनोद बिहारी पीठ से विनोद बिहारी भगवान श्रीकृष्ण भावग्राही अंतर्जामी श्रीकृष्ण प्रतिमूर्ति प्रतिष्ठा करने से क्षेत्र से पीठर ना होता विनोद बिहारी पीठ से बालू बजार स्थित विनोद बिहारी पीठ से जो प्रथम करी जो घट स्थापन होता परवर्ती समय बानर्जी परिवार पक्षर जो प्रतिमा मूर्ति पूजा उपासनार परंपरा प्रचलित है से ही समय बंगीय पद्धति प्रथम करी बड़ भौणी भाव में दुर्गा उपासना कराए एवं सेमानकर परंपरा रही बंगीय मत रही दशमी दिन माँ को विसर्जन कला बेले माँ को मेलाणी देला बेले माँ को जो अति प्रिय नारीर सबुठ प्रिय अलंकार होची सिंदूर तेणु बिवाहिता नारीर सौंदर्यर प्रतीक होची श्रीमंतर सिंदूर तेणु से ही सिंदूर को से माने परस्पर भितर जमी अबीर भली आलिंगन करती बोलती आपण मैंने जानते जे भगवान श्रीकृष्ण जितेबले दोल पूर्णमी पर दिन होली हुए एवं दोल पूर्णमी जो हुए सेमती अबीर कला जाए ये माँ को अति प्रिय जो सिंदूर से हूँ सधवा नारीर भूषण ताकि अलंकार ताकूने परस्पर भितर आदान प्रदान करती ये भावर आदान प्रदान ये भक्तिर आदान प्रदान ये श्रद्धार आदान प्रदान एवं माँ को जो अति प्रिय सिंदूर को सेने बोली परस्पर भितर आलिंगन करती परस्पर भितर सुख बांटती बंची आर वर्ष को आउ वर्ष पर आउ थे आम माँ को पाइबा माँ को आह्वान करवा तेरु माँ को मेलाणी देवा अवसर में यूँ सिंदूर खेलार परंपरा ये हूँ भारतीय संस्कृतिर परंपरा कारण सिंदूर एत पवित्र एवं ये सिंदूर टी नाइला गोटे नारी टी कड़े सुंदर देखा जाए एवं देवी दुर्गा जितेबले सिंदूर विमंडित कर दि जाते जीवंत एत ज्योतिर्मयी एत ज्ञानमयी एत प्रज्ञामयी एत मातृशक्ति स्वरूपिणी भाव में जोबले सबू देवदेवी माने सबू देवता माने जोबले निज निजर अस्त्र प्रदान करती कौन कौन अस्त्र प्रदान करती ना शिवंकर त्रिशूल विष्णुंकर चक्र ब्रह्मांकर कमंडलु सूर्यंकर किरण जाल एवं वरुणंकर शंख अग्निंकर प्रज्वलन शक्ति वायुंकर धनुर्बाण इंद्रंकर वज्र जमंकर कालदंड जिते सबू देवता माने निज निजर अस्त्र जिते देवी दुर्गा अर्पण कर दिंती से महापराक्रमशाली हूँ से शक्ति स्वरूपिणी हो जाती महापराक्रमी महिषासुर को
विनाश करने से माँ का भितर सतसिंहर बल जाग्रत ही उठे जिते बड़ दानव होते बड़ राक्षस होड़े बड़ असुर होता विनाश करने जो शक्ति दरकार से शक्ति सब देवता मानकर कुलीभूत शक्ति से प्रयोग कराफल कि देवलोक जो भाड़ी पड़ा देवता मान जो भयर त्रस्त हो गले से आविर्भूत होते माँ से मेरु पर्वतरु एवं सी जो कहले मत समस्ते सुमरणा कर तो आविर्भाव करेल मत तो सुमेरु पर्वत को नहीं आसल मुंतु महिषासुर को मारि किपरि मोर अस्त्र दरकार से सबु देवता माने मैंने निज निजर अस्त्र स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिभुवनर शक्ति स्वरूपिणी शक्तिमयी दुर्गा देवी जिते आविर्भूत हेले से लिहान शिका भितर से जो ज्ञान से जो ज्योति से जो विचार से जो शक्ति से शक्ति को आहरण करी से शक्ति विमंडिता होई माँ महिषासुर को वध करने उद्यम करते किंतु से बर पाई मरवे ना किंतु केवल गोटे उलग्न नारीर मूर्ति को देखी उलग्न नारीर रूप को देखिकी से हीनवीर्ज हो गले बलहीन हो गले से बल सत्य बड़े उभगला से ही अवसर में शून्यवाणी है तुम्हें बध कर महिषासुर को।